तुम अच्छी तरह जानते थे कि ऑफिस में नया नया सीसीटीवी लगा है। तुमने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन चुप गए बेटा। कितना विश्वास करता था मैं तुम पे और तुमने। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे। सर, आप जानते हैं सर, मेरी बहन की शादी थी सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी सर, मैंने मजबूरी में एक कदम उठाया सर। सर मैं सर, सर ये पैसे हैं मेरे पास। देव सिंह सर, आप जानते हैं मैं ऐसा लड़का नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। सर इसमें 40,000 कम है। शिट। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे। सर मुझे एक मौका दे दीजिए सर, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा सर, बाबूजी को पता चलेगा तो। ठीक है, 4 घंटे हैं हमारे पास, सिर्फ 4 घंटे, और 4 घंटों के अंदर अगर पैसे नहीं मिले तो ये पैसे तुमसे पुलिस वसूल करेगी। मिले होंगे सर। हाँ ठीक है, जा रहा है सर, जाने दो सर। थैंक यू सर। गेट आउट। ये मारते भी ना, पता नहीं कहां रख दिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ वो पैसे कहाँ रखे हैं। पूरा कमरा देख चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रहे, जल्दी से मुझे वो 40,000 निकाल के दो। हाय राम, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं कहाँ से निकाल के दूँ, अभी तो लौटा कर आई हूँ। तुम्ही ने मुझे दिए थे और अब तुम ही। हे भगवान, मालती क्या किया, तुम जानती हो पैसे कहाँ से। मालती अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले ना तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। देखो तुम एक काम करो, तुम कुछ भी करके अपने बाबूजी से वो पैसे मंगवा लो। अपने बाबूजी से? पर मैं उनसे कहूंगी क्या? अरे कुछ भी कह देना, कुछ भी कह देना, लेकिन तुम मंगवा लो प्लीज। अरे पर मैं वजह क्या बताऊंगी? अरे मैं जेल चला जाऊंगा, ये वजह कम है क्या? हाय राम, अब क्या करें? तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने बाबूजी से मांगो ना पैसे, क्योंकि अगर मैं अपने बाबूजी से मांगने गई तो उसे तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो बाबूजी से मांगोगे तो कम से कम काम तो जल्दी हो जाएगा। इसे फूलों के 3,000 चबा के दे। आपके खाने और मिठाई के 400। नमस्ते। पड़जी आपके लाइटों के कितने हुए? 10,000 शर्मा जी। ये 6,000 है आप फिलहाल, बाकी मैं जल्दी ही इंतजाम कर देता हूँ। रहने दीजिए शर्मा जी, अब क्यों और शर्मिंदा कर रहे हैं, जब आपके पास हो जाएगा तो आराम से दे दीजिएगा। अच्छा नमस्ते। अच्छा पंडित सर।
बाबूजी का ये हाल है तो उनसे मदद कैसे मांगूं? क्या करूं? सॉरी दीदी, वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा ध्यान ही नहीं रहा आपकी तरफ, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। वैसे भी मैंने डांस तो अच्छा किया नहीं, शायद मैं इस लायक भी नहीं कि आपसे नृत्य सीखूं। अगर ये गलती थी तो तुम्हें ऐसी गलती बार बार करनी चाहिए। और किसने कहा कि तुमने अच्छा डांस नहीं किया? ओ, तो तुम इस बात से निराश हो कि तालियां नहीं बजी, है ना? तुमने एकदम गलत समझा। जरा देखो इन सब की तरफ, देखो ये सब तुम्हारा डांस देखकर दंग रह गई हैं। ताली बजाने का होश नहीं रहा इन्हें। इसका मतलब तुमने जादू कर दिया, सबके दिलों को छू लिया। शाबाश। जानती हो रागिनी, डांस की शुरुआत में तुम्हारे दिमाग का रिश्ता मेरी सीख से था, फिर बाद में लगता है कि तुम्हारी आत्मा का रिश्ता सीधे ईश्वर के साथ जुड़ गया। डांस करते वक्त तुम इस तरह खो गई थी कि मानो तुम्हें दुनिया की खबर ही ना हो, और यही एक सच्चे कलाकार की पहचान है। मैं तुम सब में यही लगन और यही समर्पण देखना चाहती हूँ। जी दीदी। ये नटराज की मूर्ति मैं अपने हर स्टूडेंट को आशीर्वाद के तौर पे देती हूँ। रागिनी, ये कला एक पूजा है और पूजा को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, इसलिए रोजाना वक्त पर प्रैक्टिस के लिए आया करना। चलो मैं दीदी। रीता दीदी, मुझे तो पता था कि आप बेस्ट हो। और आखिरकार मेरी दीदी बेस्ट डांस। मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू।
अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ? दीदी अब वही हो ना जो जुलेख पीछे छुपी थी। हाँ, पर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे पेंटिंग क्लास के लिए आते हैं और आपको मालूम है मुझे 10 में से 10 मार्क्स मिला और प्रथम का सिर्फ 8। साधना, तुम इन बच्चों को कैसे जानती हो? जी, ये लोग नानी जी के घर के ही पास रहते हैं। ये गुनी है और ये प्रथम और ये मेरी रागनी जी जी है। हाय हाय हाय। ओहो, इधर पर अभी तक नहीं आया है, अब हम घर कैसे जाएंगे? क्या बात है प्रथम, कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत देर से वेट कर रहे हैं, डबर अभी तक नहीं आया है, बहुत भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, भूख भी लग रही है। तो ठीक है, हम लोग आपको घर छोड़ देते हैं। पर हम जाएंगे कैसे? आपकी कार कहाँ है? हमारे पास कार नहीं है, लेकिन हम लोग टांगे से चलेंगे। वाह, टांगा! मम्मा हमें कभी भी नहीं बैठने देती है टांगे में। हाँ, तो चलो आज बैठते हैं। लड़ो मत, आप दोनों आगे बैठना, ठीक है? गुनी, गुनी, जी जी, गुनी। बच्चे संभाल नहीं सकते तुम लोग? सॉरी। क्या सॉरी? वो ठीक है, आप सब लोग जाइए यहाँ से। साधना, तुझे तो चोट आई है। नहीं चीची। गुनी, देखो तुम्हारी वजह से दीदी को चोट आई है। वो दीदी आइसक्रीम। गुनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अब चलो घर चलते हैं। वो आइसक्रीम। ओके। मुसीबत आई वो अलग, बिना वजह मेरा काम बढ़ा दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं, अरे क्या कर रहे हो? मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। क्या? अरे 4 घंटे का वक्त मिला था पैसों का इंतजाम करने के लिए, वो तो हुआ नहीं। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी मालती, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। पीछे के दरवाजे पर रुको, हम लोग आगे की तरफ से जाते हैं। जी साहब। हे भगवान, पुलिस तो आ गई। मालती, मैं पिछले दरवाजे से भागता हूँ। हाँ, हाय, झूठ तो मैं बोलती नहीं, तो तुम भाग जाओगे तो पुलिस तो हमारे पीछे पड़ जाएगी ना। अरे अगर पकड़ा गया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर चला गया तो कम से कम पैसों का इंतजाम करने का वक्त तो मिलेगा। मैं आज आज कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, जा रहा हूँ। अरे सुनो तो, Thank you.
अनीत आप ही का बेटा है ना? कहाँ है? क्यों? उसके सर पर चोरी का इल्जाम है, बुलाइए उसे। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? कोई क्या? सारा घर छान मारो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।